गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होली आ रही है होली से रिलेटेड कोई क्लेयर तो बनता है ना तो वेट किस चीज की चलिए बनाने चलते हैं होली से रिलेटेड क्लेयर करने के लिए सारी सामग्री रेडी है आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं होली से रिलेटेड क्लेयर करने के लिए पहले हमें एक कार्टून चाहिए होगा और एक ग्रीन कलर का क्ले जिसे मैं पैकेट से निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रीन क्ले लेने के बाद हमें पूरी कूट कार्टून पे इसको फैला देना है। फटाक से मैंने इसे रेडी कर लिया इसके ऊपर पूरा क्ले मैंने चढ़ा दिया अब हम इस इस क्राफ्ट पे करने वाले रंगों का खेल मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस पे रंगों का खेल करने के लिए आप भी एक्साइटेड हो रहे हो तो जल्दी से मैंने ब्राउन कलर ला दिए हैं एंड जल्दी से हम मैं इसे टियर कर लेती इसके पैकेट को कितनी पैकेजिंग करी रहती है देन इसी को मैं ओपन कर लेती हूं तो ब्राउन क्ले निकाला है एंड देन फिर मैं इसे गोला करके इससे एक बाउल बनाती हूं प्रोसेस बहुत इजी है आप भी बना सकते हैं इसी प्रोसेस की हेल्प से मैं दूसरा बाउल भी रेडी कर लूंगी एंड द बातों ही बातों में हमारे सारे बाउल रेडी हो गए ये देख सकते हैं आप हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं अब हम इसमें पता है क्या करने वाले हैं? बताओ इसमें हम अब सारे कलर्स बनाएंगे क्ले से कलर बना के डालेंगे। तो चलिए एक करके सारे बॉज को अपने ग्रास पे स्टिक कर देते हैं वैसे भी सुपर क्ले को क्या ग्लू की जरूरत पड़ती भी है स्टिक करने की ऐसे ही वो स्टिक को जाते हैं ओफ ओ इस बाउल का तो से ही अच्छे से नहीं दिया आप देख सकते हैं हमारे इतने बाउल आ गए ग्लास में कलर्स भी तो ऐड करना है भाई जल्दी से कलर्स भी ऐड कर देते हैं मैंने पहले पिंक कलर ले लिया है एंड देन उसे फिर से मैंने सर्कल कर दिया है सर्कल करने के बाद हम अपने यार्ड में कुछ इस तरीके से थोड़ी और क्ले की जरूरत पड़ेगी शायद से अब देन हम इसे गोला कर लेते हैं एंड इसको तरह त्रिकोण से देखे हम इस तरीके से इसे यहाँ पे रख देते हैं इसे ऊपर तक टॉप से कर देते हैं अब लग रहा है ना कि हमारे बाउल में कलर रखा हुआ है देन हम सब में इसी तरीके इसी तरीके से मैंने सम बाउल में कलर भर लिया है अब लग रहा है ना हमारा क्लियर एक्ट्रेक्टिव चलिए अब हम ब्राउन क्ले से बकेट बनाते हैं तो जल्दी से हम कुछ इस तरीके से सर्कल करके चपटा कर लेंगे एंड देन बकेट का शेप दे देंगे एंड देन चलिए अपने क्लेट को साइड कर लेते हैं एंड इसको भी साइड करने के बाद हम फिर से एक ब्राउन क्ले लेंगे इसे रोल रोल करेंगे रोल रोल करने के बाद इसे प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से मैंने प्रेस कर दिया है प्रेस करने के बाद हम फटाक से अपने सर्कल को लेंगे एंड देन जो हमने प्रेस किया है इसको सर्कल के चारों तरफ हम ऐसे करके स्टिक कर देंगे ताकि हमारा पूरा बकेट का लुक आ जाए आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा बकेट का लुक आ चुका है बकेट का ऊपर का पार्ट थोड़ा टेढ़ा मेरा लग रहा है चलिए अब इसे सीजर्स की हेल्प से सही कर देते हैं ताकि हमारा बकेट बिल्कुल प्रॉपर लगे आप देख सकते हैं हमारा पूरा बकेट गोल मटोल रेडी हो चुका है बकेट तो बन गया लेकिन बकेट में वाटर भी तो होना चाहिए ना हम्म पाउडर के लिए हम यूज करेंगे ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर जैसे मैंने लाइट ब्लू कलर लिया एंड मैं अब बकेट में ऐड कर रही हूं ये लाइट ब्लू कलर जल्दी से मैं इसमें वाटर की तरह लाइट ब्लू को ऐड कर देती हूँ इसके अंदर मैं फिल कर रही हूं इस लाइट ब्लू कलर को अब देख सकते हैं बकेट में एकदम तो वाटर जैसा फील आ रहा है मैंने बकेट को इस तरीके से रोल कर लिया ताकि वो थोड़ा पतला बन जाए बाकी वो बहुत मोटा लग रहा था इसीलिए एंड देन मैं अपना ये वाला क्लियर लूंगी और उसमें ये बट, बकेट को भी स्टिक कर दूंगी बकेट के ऊपर थोड़ा कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा हाँ इसके ऊपर का रस्सी कहाँ गया देन चलिए अब हम रस्सी को भी स्टिक कर देते हैं अब लग रहा है ना हमारा बकेट थोड़ा बकेट जैसा <laughs> सब कुछ बना लिया लेकिन अब क्या बनाना बाकी रह गया <laughs> पिचकारी पिचकारी तो हमने बनाया ही नहीं जो कि होली में सबसे मेन होता है चलिए अब पिचकारी बनाते हैं उससे तो मैंने पिचकारी के लिए मैंने पहले से लाइट पर्पल बना के रखा था जिसे मैंने व्हाइट और पर्पल को मिक्स करके मैंने राइट पर्पल बनाया है आप भी बना सकते हैं क्योंकि पिचकारी मैं लाइट कलर से ही बना रही हूँ पहले तो मैं इस तरीके से रोल कर लेती हूँ पता नहीं कितना रोल करूँ कुछ पता पता होता नहीं इस तरीके से मैंने रोल कर दिया एंड देन फिर मैं इसे इस तरफ से आगे पीछे से फ्लैट कर देती हूँ पिचकारी टॉपर किस चीज से बनाऊं डार्क पिंक या लाइट पिंक लाइट पिंक क्योंकि मैंने फर्स्ट में कहा था पिचकारी मैं लाइट कलर से से बना रही एंड जल्दी से मैं एरो कुछ इस तरीके से बना देती हूँ इतना तो डिटेलिंग हो गया है इसका डंडा भी तो बनाना है क्योंकि हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे जल्दी से हम लाइन लाइन कर देते हैं एंड फिर इसमें स्टिक कर देते हैं एंड देन हमारा पिचकारी रेडी हो चुका है अब इस पिचकारी को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर देंगे ऐसे ही हम छोटे छोटे पिचकारी बना लेंगे। Then मैंने एक और पिचकारी बना and मैंने इसे स्टिक कर लिया बस इतनी पिचकारी काफी है अब देखो रंग भी हो गया बकेट ऑफ वाटर भी हो गया पिचकारी भी हो गया अब सब होली खेल रहे हैं तो नीचे जमीन पे भी तो रंग गिरा रहना चाहिए ना तो जल्दी से मैं नीचे भी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर दूंगी इसका फिर ये आएगा कि कलर नीचे भी गिरा हुआ मैंने एक एक करके सारे कलर्स को कुछ इसी तरीके से डिजाइन दे दिया कुछ इसी तरीके से डिजाइन दे दिया हमारा पूरा क्लियर तो रेडी है लेकिन थोड़ी सी क्लियर में डिटेलिंग भी बाकी है क्ले से नहीं स्केच पेन से थोड़ी सी बस क्लेट को हाईलाइट जो करना बाकी है बकेट में तो हाईलाइट हो गया अब सारे बाउल में करना बाकी है मैं सिर्फ बाउल के टॉप टॉप पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ आप अपने मन से भी किसी भी जगह पे हाईलाइट कर सकते हैं क्या आप भी मेरे होली वाले क्ले आर्ट का फाइनल लुक देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मेरा आखिर में क्ले आर्ट कैसा बनेगा कलर के डिटेलिंग होने के बाद हम नीचे गिरे हुए कलर्स की डिटेलिंग करेंगे कुछ इस तरीके से मैंने डिटेलिंग कर ली है इसी तरीके से हमें क्या करना है बॉटर में भी थोड़ा सा डिटेलिंग करना पड़ेगा यहाँ पे मैं क्या करूंगी थोड़ी सी बॉटर जैसे वेव्स को ड्रॉ कर दूंगी अब लग रहा है ना हमारा क्ले आर्ट एट्रैक्टिव आप देखना चाहते हैं हमारे होली वाले क्ले आर्ट का फाइनल लुक तो चलो मैं आपको वेट क्यों करा रही हूँ चलो दिखाई देती हूँ ये रहा हमारे होली वाला क्ले आर्ट का फाइनल लुक अब देख सकते हैं मुझे तो अपना क्ले आर्ट बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे टैडी को मेरे रंगों से खेलने का इंतजार नहीं हो रहा तो चलो मैं अपने टैडी को दे, दे थी। आहा, मैं थी तो होली खेलूंगा ओफो मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गई नेक्स्ट होली से रिलेटेड कौन सा करूँ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जिसके जितने वोट्स होंगे मैं वही बनाऊंगी ओके